नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। जन्माष्टमी का त्यौहार आने ही वाला है, तो जन्माष्टमी के ऊपर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान के भोग के लिए तरह तरह की चीज़ें। तो चलिए आज ऐसी दो खास रेसिपी बनाते हैं, एक तो धनिए की पंजीरी और दूसरा एक पाक बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा है, खाने में बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी है और बहुत कम घी का बना हुआ है। सबसे पहले मैंने आधा कटोरी के लगभग साबुत धनिया लिया है, साफ सुथरा ताज़ा सूखा धनिया लिया है, उसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई के अंदर एक चम्मच के लगभग देसी घी को गर्म करेंगे और इसमें मैंने 20-25 के लगभग बादाम जो हैं उनको हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से बिल्कुल कुरकुरा होने तक रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। ये पंजीरी बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, लेकिन प्रसाद के तौर पर ये पंजीरी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और धनिए का भोग भगवान को खास तौर पर लगाया जाता है। इसी के अंदर मैंने 15-20 काजू डाल दिए हैं, उनको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। पहले बादाम डालने ज़रूरी हैं क्योंकि काजू बहुत जल्दी से भुन जाते हैं और वो फिर इसका कलर ख़राब कर देंगे। अब उसी घी के अंदर हम 1.5 कप के लगभग मखाने डाल देंगे। घी काफ़ी था क्योंकि बादाम और काजू बिल्कुल भी घी एब्जॉर्ब नहीं करते, जबकि मखाने ऐसे होते हैं वो सारा घी पी जाएंगे। बस इनको भी हम कुरकुरा होने तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए 2 या 3 मिनट के अंदर जो हमारे मखाने हैं वो भी अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। अब हम इसको भी उसी प्लेट के अंदर निकाल देंगे। इसी कढ़ाई के अंदर हम वापस से 1 चम्मच के लगभग देसी घी डालेंगे और जो धनिए को हमने अच्छे से भून कर और पीस कर रखा था ना, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमें धनिए को 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। धनिया भी बहुत जल्दी से भूनकर तैयार हो जाएगा, इसलिए आप इसका वेट बिल्कुल ना करें, साथ के साथ भूनने की कोशिश करें। ये देखिए 2 मिनट भी नहीं हुआ, धनिया अच्छे से भून गया है। इतनी देर मैंने आधे नारियल जो है सूखा नारियल उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया था, आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। बस उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। ये बात ध्यान रखनी है पंजीरी बनाते समय कि हमें कोई भी चीज़ 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं भूननी है, वरना उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और वो कड़वा लगने लग जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने धनिया भी अच्छे से भून लिया है। अब जो हमने सारा सामान भून के रखा था वो हमें इसमें मिलाना है, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर 2 चम्मच के लगभग खसखस के बीज मिलाए हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, और क्योंकि हम पंजीरी बना रहे हैं और पंजीरी का ये कहा जाता है कि वो जच्चा के लिए बनाई जाती है, और जिसके भी घर में नए बच्चा होता है उनके घर में पंजीरी बनाई जाती है, जच्चा को भी खिलाई जाती है यानी माँ को, और परिवार में भी बांटी जाती है। तो इसीलिए क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था इसीलिए इस पंजीरी को बनाने का रिवाज है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच खरबूजे की गिरी डाल दी, 1/2 चम्मच इसके अंदर हम इलायची पाउडर डाल देंगे, और अगर आपके पास हो तो 1/2 चम्मच सौंठ भी डाल दीजिए। सौंठ यानी अदरक का सूखा पाउडर, ना हो तो कोई बात नहीं, उसकी जगह काली मिर्च डाली जा सकती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं पंजीरी का जो फ्लेवर है उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। 2 से 1.5 मिनट के बाद ही हम इसके अंदर जो हमने मखाने काजू और बादाम को अच्छे से फ्राई करके रखा था वो मिला देंगे। सारे नहीं मिलाए हैं मैंने, थोड़े से रख लिए हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे अभी भी लगातार चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि नीचे से वो जल ना जाए, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और इससे नीचे जलने का डर है। जब ये सामान सारा हल्का सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये देखिए मैंने 100 ग्राम के लगभग मिश्री ली है, और मिश्री का प्रसाद भी भगवान को भोग लगाया जाता है, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया और इस तरह से बिल्कुल पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम मिश्री के इस पाउडर को इस प्रसाद में मिला देंगे और हमारा बहुत अच्छा पंजीरी का प्रसाद बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। जन्माष्टमी के दिन जो पंजीरी खासतौर पर बनाई जाती है और पाक, वो दोनों रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। और अगर आप सबको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप उन वीडियोज़ को देख सकें और त्यौहार पर और दूसरे अवसरों पर भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकें। ये सारी रेसिपीज ट्राइड और टेस्टेड है, बिल्कुल हल्के मीठे की बहुत अच्छी पंजीरी बनकर तैयार हुई है। अब जो बचे हुए काजू बादाम और मखाने थे उनसे मैंने इसको गार्निश कर दिया। इतने से सामान के अंदर बहुत सारी पंजीरी, लगभग 1 किलो से थोड़ी सी कम होगी, 700-800 ग्राम के लगभग पंजीरी बनकर तैयार हुई है, जो कि सबको बहुत पसंद तो आने वाली है, साथ में देखने में भी बिल्कुल ऐसा लगेगी कि आपने बाजार से मंगवाई है। कितने सारे इसमें मेवा नज़र आ रहे हैं, जबकि हमने बहुत कम सामान का इस्तेमाल किया है। तो चलिए दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। ये मैंने स्पेशल बर्फी, तो जन्माष्टमी के दिन पाक बनाने का बहुत ज्यादा रिवाज होता है और ये व्रत में खाया जाता है। या तो ये बर्फी अच्छे से जमती नहीं है, या कभी लूज रह जाती है, लेकिन अक्सर इसके साथ ये परेशानी रहती है, या तो ये कभी बहुत ज्यादा चिपचिप
अजीबा बन जाता है या एकदम सूखा सा। आज मैं आपको सारे टिप और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, तो ये बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा और परफेक्ट पाक बनकर तैयार होगा। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी लेंगे, उसमें 15 से 20 बादाम हल्के से लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसी के अंदर 15-20 काजू डाल देंगे, उनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। कढ़ाई में अभी काफ़ी घी बचा हुआ है, लेकिन जब हम इसके अंदर मखाने डालेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि सारा घी जो है वो एकदम से ख़त्म हो गया। वैसे आप चाहें तो पहले इसी घी के अंदर गोंद जो है उसको भी भून सकते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गोंद भी अच्छे से घी को एब्जॉर्ब करती है। अब हम इसमें 2 कटोरी के लगभग मखाने डाल देंगे और उनको भी अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 1.5 से 2 मिनट के अंदर मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और ये देखिए सारा घी जो है आराम से मखाने पी गए हैं। बस इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, मखाने निकाल लेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी फिर से डालेंगे। अब जो हमने अच्छी से ये गोंद दी, देखिए मैंने गोंद को हल्का सा दरदरा पीस लिया है। वैसे आजकल बाज़ार में इस तरह पिसी हुई गोंद भी मिलती है, आप जैसे चाहें या मोटे दाने वाली गोंद जैसे चाहें वैसी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसी घी के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून से ज़्यादा घी नहीं लेना, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक भून लेंगे। गोंद को अच्छे से भूनना ज़रूरी है, अगर आप गोंद को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो वो दांतों में चिपकेगी। अब हमें बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने एक पूरा साबुत सूखा गोला था बड़ा, और उसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े काट के उसके बाद मिक्सी में अच्छे से पीस लिया। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि नारियल का जो धागा है ना, अगर हम उसको ग्रेट करते हैं तो वो दांतों में फंसता है बड़े लोगों के, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम मिक्सी में पीस लें। अब इसी गोले के अंदर मैंने 1/2 कटोरी के लगभग खरबूजे की गिरी मिला दी है, उसको हम इसमें भूनेंगे। इसका फ़ायदा हमको क्या होगा, ये उछटेंगे नहीं। अगर आप खरबूजे की गिरी को अलग से भूनेंगे ना, तो वो सारी रसोई में आपके फैल जाएगा, इतना तेज उछटता है। तो अगर हम उसे नारियल में मिला के भूनेंगे तो भून भी अच्छे से जाएगा और उछटेगा भी नहीं। इसी में मैंने 1/4 कटोरी के लगभग पॉपी सीड्स यानी खसखस के दाने डाल दिए हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब 1/2 चम्मच हम इलायची का पाउडर डाल देंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब डालेंगे 2-3 खास मसाले। मैंने 1 चम्मच के लगभग सफ़ेद मिर्च जो होती है बाज़ार में आराम से मिल जाती है, उसका पाउडर बना के डाल दिया। साथ में मैंने 1/4 के लगभग जायफल लेके उसको घिस दिया इसमें डायरेक्ट। जायफल को इस तरह घिसने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी पंजीरी बनकर तैयार होगी और पाक भी बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से हम जायफल को इसके अंदर घिस देंगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं घिसना, 1/4 यानी एक पूरा जायफल जो है उसका 1/4 टुकड़ा जो है घिस जाए उतना। आप इस जायफल को साबुत रखिए और जब घिसना हो बस तब इस तरह से डायरेक्ट इसके अंदर कद्दूकस कर दीजिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर। वैसे आप चाहें तो धनिया पाउडर के बिना भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पंजीरी नहीं बना रहे केवल पाक बना रहे हैं तो धनिया पाउडर डाल लीजिए, और अगर आप पंजीरी भी बना रहे हैं और पाक भी तो धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। धनिया पाउडर पंजीरी के अंदर इसलिए डाला जाता है क्योंकि पंजीरी तो बनाई धनिए की जाती है, मेन प्रसाद वही होता है, और नारियल की पाक जो हमने बनाया है उसमें धनिया इसलिए डाला है कि अगर हम पंजीरी ना बनाएं तो जो प्रसाद होता है ना उसके अंदर धनिए की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए अगर आप पंजीरी नहीं बना रहे हैं पाक बना रहे हैं तो उसमें आप धनिया पाउडर डाल दें। अब जो गोंद हमने रखी थी उसको हम हल्के से हाथों से ही क्रश कर लेंगे, ये देखिए कितने आराम से क्रश हो रही है और इसके अंदर काफ़ी सारा घी है। अब हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टोटल 6 चम्मच घी का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है और बहुत अच्छी सब चीज़ें अच्छे से सिक कर तैयार हो गई हैं। अब जो ये मखाने वगैरह हैं इनको मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है, ये देखिए कितना अच्छा जो है हमारा मखाने बनकर तैयार हो गए हैं। अब कढ़ाई के अंदर वही कढ़ाई मैंने इस्तेमाल की है, 2 कटोरी के लगभग चीनी लेंगे और उसमें पूरा नाप से 1 कटोरी पानी डाल देंगे। हमारा नारियल का पाउडर जो हमने इस्तेमाल किया है वो 2 कटोरी है, और जो मखाने और काजू बादाम है वो 1 कटोरी है, और 1 कटोरी के लगभग ही गोंद और बाकी चीज़ें हैं, तो कुल मिला के 4 कटोरी सामान है। और अगर आप बहुत तेज़ मीठा नहीं खाते हैं तो हल्के मीठे का खाते हैं तो 2 कटोरी चीनी काफ़ी है, और अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो 2.5 कटोरी, और उसमें 2 कटोरी में हमें 1 कटोरी पानी डालना है। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप एक बार इस पाक की रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना तो हर बार इसी तरह बनाना चाहेंगे। खाने में तो स्वाद है ही, साथ में बहुत ज़्यादा बढ़िया भी बना हुआ है। अब सिर्फ हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। पाक बनाते समय कई बार गलती क्या करते हैं कि 2 तार की चाशनी पहले ही बना लेते हैं और वो कढ़ाई के अंदर ही जम जाती है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप 1 तार की चाशनी बनाएं
उसके बाद सारे सामान को अच्छे से मिला दें। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से मिल जाएगा। गैस का फ्लेम ज़्यादा बात हो तो आप लो कर दें या बंद कर दें, कुछ भी कर दें, ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। जब तक ये कढ़ाई के अंदर रहेगा ना तब तक सेट नहीं होगा, क्योंकि हमने चाशनी एक तार की बनाई थी। अब हम हल्के हाथ से मिलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अभी देखने से ही पता लग रहा होगा कि इसमें अभी काफ़ी चाशनी है, लेकिन एक डेढ़ मिनट के अंदर ही सारी चाशनी गायब हो जाएगी, क्योंकि चाशनी गाढ़ी होनी शुरू होगी और साथ में जो हमने सामान डाला है वो फटाफट से जो अपने चाशनी है ना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए, अब जब इस तरह से ये डो का फॉर्म लेना लगे ना तो इसका मतलब हमारा जो पाग है बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट सेट होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो घी लगी हुई थाली थी ना, मैंने थाली को बीच में फटाफट से घी लगा लिया था, उसके अंदर हम ये सारा पाग पलट देंगे और इसे हल्के हाथ से किसी भी करछी से या कटोरी से या इस तरह स्पैटुला से अच्छे से टैप करते हुए इसको अच्छे से बिल्कुल सेट कर देंगे। इसको इसी समय सेट करना ज़रूरी है, ये देखिए, वरना ये चिकना नहीं होगा और उबड़ खाबड़ बना रहेगा। और 10 मिनट के अंदर अंदर जब आप पाग सेट करने रखें उसके 10 मिनट के अंदर ही आपको कट लगाने ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पूरा अच्छे से बन जाता है ना उस समय कट नहीं लगते और फिर इकसार पीस नहीं निकलते। और अगर आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीस कैसे भी निकले तो आप कभी भी कट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इकसार पीस निकले तो आप इसी तरह से अच्छे से कट लगा लीजिए 10 से 12 मिनट के अंदर। अभी ये पूरी तरह जमा नहीं है और आराम से इसके अंदर जो है कट लगकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब ये पूरा जम जाएगा ना तो इसमें कट लगाने मुश्किल है। अब मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए आराम से रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। 2 घंटे बाद ये देखिए हमारा पाग जो बिल्कुल परफेक्ट जमकर तैयार है और इसके पीस अब आराम से निकल जाएंगे। हाँ, वैसे आप चाकू से चाहें तो थोड़ा सा इसको लूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सर्दियाँ मौसम अगर ठंडा हो तो उस दौरान आप हल्का सा प्लेट को गैस के ऊपर 1 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए गर्म कर लीजिए तो पाक बड़े आराम से निकल आएगा। ये देखिए कितने एकसार पीस निकल कर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी।